नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज देव हेयर। वेलकम टू लियो म्यूजिकल बीट्स। एंड आज हम सीखने वाले हैं तेरी मेरी फ्रॉम मूवी बॉडीगार्ड। तो गाइस जल्दी से लेसन स्टार्ट करते हैं। बट लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, ताकि मेरे ये न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको जल्दी से मिल सकें। ठीक है गाइस, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये जो हम सॉन्ग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं G7 से। ठीक है, यानी कि G स्ट्रिंग नेम और 7 फ्रेट नंबर। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो मैं इसी तरह से ही स्ट्रिंग का नाम और फ्रेट नंबर बताऊंगा। ठीक है, आप इजीली समझ जाओगे और लिखते भी रहें ताकि आप भूलो भी ना। ठीक है, तो ये गाना थोड़ा सा लॉन्ग है और लंबी लंबी लाइन्स हैं, तो हम इसको ना 4-4 स्टेप में करेंगे। ठीक है, ताकि हम जल्दी से कवर कर सकें इसको। तो हम पहले इतना देखते हैं। ठीक है, हमने प्ले किया G7, देन E5, देन B8, वापिस E5। ठीक है, अब इसके आगे आइए देखते हैं। अब इसमें करा B6, B8, E5, देन B6। ठीक है, अब दोनों लाइन को जो छोटी छोटी हमने 4-4 पार्ट डिवाइड किए थे उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, अब भी इसी तरह से जोड़ जोड़ के और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आगे के स्टेप कैच करना। ठीक है, वरना पिछला बोलते रहोगे। इसके आगे ये क्या किया मैंने, मैंने किया B6 से प्ले करके ना स्लाइटली 8 पे। ठीक है, B6 से B8 पे आए स्लाइड करके, देन उसके बाद E5, वापस B8, देन B6, यानी कि देन उसके बाद ये छोटी सी है इसलिए मैंने ज़्यादा स्टेप बता दी, ज़्यादा स्टेप दिखा दी, तो ये भी करते हैं, बहुत ईजी है। इसके बाद आप करोगे अपने आप ख़त्म करके B5, देन G7, वापिस B5, G7, देन G5, यानी कि है मुश्किल। ठीक है, देन इसके बाद अब ये क्या है, जैसे हम कहते हैं वैसे वापस अपना रिटर्न आना है G5, G7, देन B5, देन इसके बाद ये भी दो स्टेप देखते हैं। मैंने पहले किया G7, देन G6, सॉरी B6, देन इसके बाद यही बहुत ईजी है। ठीक है, हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया B6 पे, उसके बाद आपने प्ले करना है B8, देन वापस B6, देन B5, देन उसके बाद आपने करना 3 बार G7, यानी कि ठीक है। अब मैं ये पूरा टोटल जो अभी हमने शुरू से लेकर अभी तक प्ले किया है जो सीखा है उसको एक बार दोबारा से प्ले करते हैं शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको समझ में आ जाए। गाइस अच्छी बात यह है कि इसकी जो नेक्स्ट लाइन है ना, एक लड़का एक लड़की, डिट्टो कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैं एक बार दोनों लाइन प्ले करके देखता हूँ, जो शुरू से हमने सीखी वाली भी और इसे अगले लाइन डिट्टो कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैं दोनों लाइन प्ले करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कहानी है,
पास ये लाइन देखते हैं आप, ये चार नोट देखते हैं मैंने प्ले किया इसमें E5 E6। अब E5 दो बार एक दूजे से, ठीक है, यानी कि एक दूजे से, इसके बाद हुए जुदा, टोटल चार नोट प्ले कर रहे हैं लेकिन दो दो बार, यानी कि E5 डबल बार हुए जुदा, ठीक है। इसके बाद इधर देखते हैं जब एक दूजे के, अब इसमें क्या करना है आपने, आपने करना है E5 E8 E6 then E5 then B8, ठीक है। अब इतना मिक्स करते हैं, पूरा जोड़ते हैं, जब एक दूजे के, अब इसके बाद, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ पर ख़त्म किया था, या इसके बाद E5 हो गया, देन उसके बाद आपने पहले करना B8 सेम वही, ठीक है, पहले वाला नोट, ठीक है, देन उसके बाद B6, देन उसके बाद B5। लेकिन इसमें आप एक हरकत भी कर सकते हो, एक हल्की स्लाइड टाइप की है छोटी सी, यानी कि ठीक है, बहुत मतलब बहुत अच्छी है और थोड़ी सी टफ टाइप की भी है। जब आप यहाँ से जाओगे वापस, जब यहाँ पे एक नोट प्ले करोगे ना वन पे, B1 मतलब B5 पे, तो आप इसको ना स्लाइड कर देना है एक स्टेप, फिर वापस आके जस्ट अप डाउन करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ तक गाना हो गया हमारा कंप्लीट। एक बार मैं ये लेंथ शुरू से प्ले कर रहा हूँ बोल के, एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, ठीक है, और सिंपल में करना है तो फिर बने, ठीक है, सिंपल जाएगा, फिर उसका फिर वो रिपीट हो जाएगा, मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी है मुस्की। तो गाइस ये डिटो सेम ही कॉपी है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर, मतलब फिर वही रिपीट है। तो गाइस फाइनली हमारा ये ख़त्म हुआ यहाँ तक। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है, आपको जरा से भी कुछ भी रह देना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक आई डी पर आप मुझे पूछ सकते हो गाइस। तो गाइज फाइनली थैंक यू सो मच गाइज फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग, एंड ऑलवेज कीप सेफ एंड हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही कमेंट और लाइक्स देते रहे गाइज़।